जी हाँ, एक बहुत ही सैड और अपसेटिंग न्यूज़ अगर हम कहें कहीं ना कहीं, तो ये बिल्कुल हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। बहुत ही अपसेटिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जब कोई बड़ी मेहनत से या फिर बड़ी चाव से कोई एक चीज़ अगर कोई इंसान करना चाहता है, जी हाँ, कोई चीज़ बिल्कुल अचीव जी करना चाहता है, और उसके बीच में जब रोड़े आते हैं, जी हाँ, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि हर्डल्स तो आते जरूर हैं बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो हर्डल्स आते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ भी कहीं ना कहीं होती है जब भी वो अचीवमेंट करते वक्त अगर कोई रुकावट आ जाए। चलिए आपको सीधा बताते हैं, नेपाल क्रिकेट से जुड़ी हुई ये न्यूज है। अगर आप नेपाल क्रिकेट फैंस हैं तो ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आपको इस न्यूज के सहारे मिल जाएगा। काफी अपसेटिंग न्यूज एक आ रही है, जी हाँ, जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम, जी हाँ, जो नेपाल में न्यू बनने वाला है, जी हाँ, जो बन रहा है, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जी हाँ, उस पे कहीं ना कहीं फिलहाल हॉल्ट में लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही धीमी रफ्तार में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। जो प्रोग्रेस अगर आप सोचिए 100% एफर्ट के साथ चल बिल्कुल रही जी थी, हाँ वो कहीं ना जरूर कहीं अब 50-60% नहीं बल्कि 20-30% बिल्कुल आके वो रुक गई है। कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो स्पीड में जा रही है। जी हाँ, ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, ये और भी उनका कहना है जो ऑलरेडी इसमें इस स्टेडियम को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए डिटेल में आपको बताते हैं कि आखिर ये सब बातें कहाँ से निकल के आए। जी हाँ सीताराम कटेल, जी हाँ सीताराम सर हैं जो कि चेयरमैन है धर्मल संतली फाउंडेशन के, जो जी ये हाँ कंस्ट्रक्शन की जितनी भी चीजें हैं जो हेड है जी एक्चुअली में, हाँ वो यही फाउंडेशन तैयार कर रही है ये स्टेडियम जो कि भरतपुर में बनने वाला है, जी गौतम बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं दिक्कत काफी है, जैसे कि बिल्कुल सर ने बताया अपने एक इंटरव्यू में छोटे से कि जो फाइनेंशियल एड है कहीं ना जी कहीं हाँ उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। जो भरतपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी जो अकाउंट है वो काफी लो कर दिया जी है। हाँ जो बजट रखा गया दिया बिल्कुल है, अलॉट किया गया है जी ग्राउंड के हाँ लिए, वो बिल्कुल भी काफी ज्यादा लो है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वैलिड रीजन है। वो रीजन क्या है वो भी आपको बता। बिल्कुल देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कोरोना, बिल्कुल कोरोना इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है। कोरोना ने खाली नेपाल में बोल के नहीं, चाहेंगे कि पूरी दुनिया में ही बिल्कुल इन्होंने इस वायरस का इफेक्ट डाला है, और इसी का जो एक नजारा है छोटा सा और बिल्कुल बहुत बड़ा नेपाल के लिए भी ऑब्वियसली कहीं ना बिल्कुल कहीं ये है कि स्टेडियम पे अफेक्ट हो रहा है। जो अलॉट किया है जो मनी वो भी अब कम कर दिया गया है। बिल्कुल और इसी के साथ साथ एक ये भी बताना चाहूंगा कि एक खबर ये भी है कि जो वहां के जो बोर्ड है, जी हाँ बोर्ड की तरफ से भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है जी हाँ स्टेट की तरफ से जी भी। हाँ ये गवर्नमेंट बोर्ड्स की बात जी कर रहे हैं हम, हाँ जो बिल्कुल जो बिल्कुल जी गवर्नमेंट हाँ सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है इसको लेकर कि वहां से कुछ ज्यादा हेल्प मिल सके। और कहीं ना कहीं जिस जो फंड रेज किए जाने वाले थे वो बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल चल सही रहे जी थे, हाँ और जो फंड रेज और भी होने वाले थे उनमें भी कहीं ना कहीं हॉल्ट हो चुका है इस एपिडेमिक की वजह से, क्योंकि अभी भी काफी, ये सर ने खुद ही कहा है कि अभी भी काफी फंड रेज होने बाकी है जो एपिडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल होल्ड पे है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जी अगर आपसे कहें तो पहले वहां पे डे एंड नाइट करीब करीब 300 वर्कर्स लगातार काम में जुटे हुए थे, जी हाँ स्टेडियम में लगातार बिल्कुल काम में जुटे हुए थे, जो कि अब घटकर सिर्फ 40 रह गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से वो काम चल रहा था और अब किस तरह से उस पर हॉल्ट आया है। और कुछ खबर ऐसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल देखिए जो एक कमेटी है महायज्ञ और धन धन याचल, जी जी हाँ माफी हाँ चाहूंगा अगर मैं इसके बारे धनियांचल में, जी जी हाँ अगर इस पर गलत कर रहा हूँ माफी चाहूंगा इसके लिए। लेकिन इनके जो चेयरमैन दिनेश कुमार सर उन्होंने भी ये कहा है कि जी अब तक जो फंड हमने रेस किया है उस पे वो इतने नहीं है कि इससे अब हम आगे काम कर सकें, जी उस पेस से बिल्कुल काम कर सकें जिस पेस से हम हमें उम्मीद थी जिस पर से कोरोना हो से रहा पहले, था। जी जी हाँ हो हाँ रहा था उस पेस से अब मुश्किल नजर आ रहा है, जिस वजह से जो ग्राउंड्स की अदर फैसिलिटीज हैं उसमें काफी दिक्कत आ रही है। और एक छोटी सी बात, जो मोबिलाइजेशन कैंपेन था यानी जी कि जो हाँ सोशल मीडिया के तहत जो बिल्कुल कैंपेन चलाए गए थे वो भी काफी स्लो पड़ गए हैं, या यूं कहें कि बिल्कुल कहीं ना कहीं बंद भी हो चले हैं, बिल्कुल अगर ऐसा कहेंगे तो इसमें कोई दोराय नहीं। जी हाँ, और ये सबके पीछे रीजन सिर्फ वही एपिडेमिक जो है क्राइसिस है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट बोर्ड्स की तरफ से जो इतना इतना लेस इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो मेन जो रीजन है वो इस एपिडेमिक क्राइसिस की वजह से ही है। एपिडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आती है उसी वजह से इस पर भी कहीं ना कहीं होल्ड लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस एलोकेटेड टाइम में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम बनने के तैयार बिल्कुल हो जाने वाला था उसमें शायद अब डिले कहीं ना कहीं हो जाए, और इसी एक रीजन की वजह से यही एक न्यूज थी जो आपके सामने रखना चाह रहे थे। जी हाँ
बिल्कुल, एक छोटी सी यहाँ पे एक अच्छी खबर भी है कि बिल्कुल जो कटेल सर है, सीताराम कटेल सर जो है, उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ में कि कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है कि अगर हम बस बारिश होते ही, रेनी सीजन गुजरते ही, जैसी हमारी पिच तैयार होगी, जी तो हाँ, विंटर से, विंटर से ये बहुत अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं विंटर से हम यहाँ पे गेम शुरू होता हुआ देख सकते हैं, अर्ली जी हाँ, गेम्स शुरू जी होता हाँ हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल हाँ, नहीं डोमेस्टिक्स के हो या फिर कोई भी हो, अर्ली बिल्कुल गेम्स बिल्कुल, कम से बहुत कम अच्छी बच्चों से बात यहाँ पे है। क्रिकेट खेला जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि पिच लगभग रेडी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन जरूर उनके इस इंटरव्यू में था, लेकिन ओवरऑल हॉल्ट की जो बात है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। अब देखना होगा किस तरह से चीजें अच्छी होती है, जरूर जाहिर सी बात है हर चीज में कहीं ना कहीं अच्छी चीज में थोड़ी बहुत रुकावटें बिल्कुल आती आती हैं, है, तो जब बिल्कुल इतना आती इंतजार किया गया है तो थोड़ा सा इंतजार और सही, है, लेकिन जब बिल्कुल ये मैच नेशनल स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और वहां पे क्रिकेट फैंस बैठ के बिल्कुल स्टैंड में जी बैठ के ये हाँ मैच देख रहे होंगे, सर, तब वो सोचेंगे कि यार इतने सालों में, इतने सालों बाद का टाइम लगा, लेकिन आखिरकार ये बिल्कुल बन के हमारे सामने खड़ा है, यहाँ पे बड़े से बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मैचेस खेल खेल रहे रहे हैं। हैं, तो बहुत ये अच्छी बहुत बात पॉजिटिविटी बिल्कुल इंटेंट के साथ हमें और आपको सबको लेके चलना होगा, और उम्मीद करनी होगी कि ये स्टेडियम जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए, जरूर जबरदस्त स्टेडियम बनने की राह पे ऑलरेडी अग्रसर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कोई भी न्यूज हो हम आपके सामने लेकर आएंगे, बिल्कुल लाइक चाहे वो अपसेटिंग न्यूज हो चाहे वो खुशी की न्यूज हो, हर जरूर तरह की न्यूज आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डिटेल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सब्सक्राइब जरूर लीजिए। करें। टेक केयर गाइस एंड गुड नाइट।